बातमी आहे मुंबईतून। मुंबईतील नागपाडा परिसरात एका इमारतीचा भाग कोसळलाय। इमारतीचा भाग कोसळल्याने काही लोक अडकल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते। फायर ब्रिगेड आणि ॲम्ब्युलन्सचा ताफा आता घटनास्थळी बचाव कार्यकर्ता दाखल झालेला आहे। आता या क्षणाची ही ब्रेकिंग न्यूज आपण बघतोय। पुन्हा एकदा ही ब्रेकिंग न्यूज आपण जाणून घेऊयात। मुंबईतील नागपाडा परिसरात एका इमारतीचा भाग कोसळला। इमारतीचा भाग कोसळल्याने काही लोक या मलब्याखाली अडकले असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते। आता घटनास्थळी बचाव कार्यकर्ता अग्निशमन दलाचा ताफा दाखल झालेला आहे। अधिक माहिती आपण जाणून घेऊयात। आमचे प्रतिनिधी विवेक गुप्ता आपल्या बरोबर आहे। विवेक, काय माहिती आहे? विशाल, आपको बताना चाहेंगे ये जो पूरी घटना घटी है वो मुंबई के नागपाड़ा इलाके में है और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने ही एक इमारत थी, उसका कुछ हिस्सा जो है वो गिर गया है। और जो जानकारी मिल रही है पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को, उसमें कुछ लोग फंसे हुए की जानकारी उन्हें मिल रही है, लेकिन अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं हो पा रही कि आखिरकार उसमें कितने लोग फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है, साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी रवाना कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जगह पर सबसे पहले पहुंचे और मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित पहले बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आखिरकार कितने लोग अंदर दबे हुए हैं। विशाल, धन्यवाद विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। आता एक क्षणाला